तो हुण वेखदे हां खबरां विस्थार दे नाल। मानसा चलिया बिश्नोई, जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई नूं हुण पुलिस मानसा लैके जा रही है। तुहानूं दस दईए सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच दिल्ली तो प्रोडक्शन फ्रंट ते पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लैके आई। इस तों बाद खरड़ सीआईए हैडक्वार्टर दे विच पुछगिछ चल रही सी, ते हुण दस्सिया जा रहा है सीआईए हैडक्वार्टर दे दफ्तर तो पुलिस का काफिला चल चुकिया। बुलेट प्रूफ गड्डियां दे विच काफिला अगे वध रहा है। बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा लिजाया जा रहा है। जी हाँ, बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा लिजा रही है पुलिस। कल मानसा अदालत विच बिश्नोई की पेशी होनी है। बिश्नोई की 7 दिनी रिमांड का अज अखीरला दिन है, सो कल पुलिस ने मानसा अदालत विच पेश करना है। इसलिए मानसा लैके जा रही है पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं। गड्डियां का काफिला तुहाडी टीवी स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो। लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा लिजाउण लग्या, पूरी एहतियात वरती जा रही है, क्योंकि तुहानूं दस दईए दिल्ली दे विच अदालत जो सुनवाई हुई सी, जो प्रोडक्शन फ्रंट हासिल प्रोडक्शन रिमांड हासिल करनी सी लॉरेंस बिश्नोई की, तो उदो खुद एजी वालों दिल्ली के कोर्ट के गल यकीनी बनाई गई सी कि सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, रोज़ मैडिकल होगा, बुलेट प्रूफ गड्डी के ले जाया जाएगा। सो सारिया गलों का ध्यान रखते हुए लॉरेंस बिश्नोई हुण मानसा ले जा रही है पुलिस। बिश्नोई नूं मानसा पुलिस सीआईए खरड़ तो लैके रवाना हो गई है। एक हफ्ते तो जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई तो जिहड़ी पुछगिछ की जा रही थी, तो इस वेले जिहड़ी तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो सीधियां ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं पीटीसी दे दर्शकां तक पहुंचा रहे हैं। यह जिहड़ा काफिला तुसीं वेख रहे हो लॉरेंस बिश्नोई की यही सुरक्षा के जिहड़ा लग्गा काफिला उही नजर आ रहा है। इस तो अगे बुलेट प्रूफ गड्डी है जिस दे विच लॉरेंस बिश्नोई भी बैठा होया, जिसनूं हुण इत्थों मानसा पुलिस जिहड़ी है मानसा कोर्ट ले जा रही है, जिथे उसनूं हुण पेश कीता जाना है। क्योंकि एक हफ्ते का जरा रिमांड लिता गया था, तो हूँ रिमांड तो बाद उस मानसा कोर्ट के दोबारा पेश किया जाना है। मेरे नाल मेरे सहयोगी रविंदर मीत भी है, उस तो भी गल करते हैं। रविंदर, एक हफ्ते का जरा ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में तुम जो कि इतने जरा पूरा जे इंक्वायरी की गई है, पूछगिछ की गई, कुछ निकल के सामने आया इस बिल्कुल जो एक हफ्ते की पूरी पूछ पड़ताल की गई लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब पुलिस वालों सीआईए स्टाफ के, तो उस बहुत ज्यादा खास कामयाबी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगी। हालांकि इस पूरे मसले के दिल्ली पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही इस पूरे मामले के, क्योंकि 14 दिन का रिमांड पंजाब पुलिस लै सकती है। कोई भी पुलिस किसी भी आरोपी का 14 दिन तक का रिमांड ज्यादा तो ज्यादा लै सकती है। 7 दिन का रिमांड पंजाब पुलिस लै चुकी है, तो हुण होर 7 दिन के रिमांड की डिमांड की जा सकती है अज मानसा की जिला अदालत। हालांकि सवेरे 4 बजे तक का समा है पंजाब पुलिस को, क्योंकि जो पिछली रिमांड मिले से सवेरे 4 बजे मिले, तो उस हिसाब के सवेरे 4 बजे तक यानी कि कल सवेरे 4 बजे तक का समा हाले तक भी मानसा पुलिस को है। हाले भी मानसा पुलिस जी अगे कोशिश करेगी कि पंजाब पुलिस की अगे रिमांड 7 दिन का होर लिया जा सके, ताकि होर चीजों की तह तक जाया जा सके। लेकिन हाल फिलहाल अगर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उस स्थिति के साफ है कि हाले तक पंजाब पुलिस के हथ उस तरह की कोई जानकारी बहुत वड्डी जानकारी नहीं मिली। हालांकि बहुत सारिया गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के हुई कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके असं लगातार खबर भी दिखा रहे थे कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो संभावित जी गल है कि कोई भी आरोपी जल्दी जल्दी कोऑपरेट नहीं करता, इन्नी जल्दी कोई भी आरोपी नहीं मानता, कहीं भी चोर यह नहीं कहता कि मैं चोरी की है। तो जो तफ्तीशा की जाए गवाहों सामने बताया जाता, तो कई कई मन भी जाते हैं कि मैं ये गुनाह किया, तो वह थ्योरी से भी लगातार पंजाब पुलिस काम कर रही है कि यह देखा जाए कि यह कॉन्सपरेंसी कितनी ज्यादा डूंगी सी। तो पुछ पड़ताल सीआईए हैडक्वार्टर के हुई, हुण मानसा अदालत में पेश करना है, तो लॉरेंस बिश्नोई मुड़ तो मानसा ले जा रही है पुलिस। एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दईए लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के मास्टरमाइंड है। कौन लॉरेंस बिश्नोई, तुहानूं एक बार सारा वेरवा दस रहे हैं। फजिलका के पिंड दतारा वाली दा रहण वाला 31 साल नौजवान है मुलजम लॉरेंस बिश्नोई, जहाँ गैंगस्टर की दुनिया के कई क्राइम किए। लॉरेंस बिश्नोई अबोहर ते चंडीगढ़ के DAV कॉलेज के पढ़ाई करन दौरान ही इस क्राइम की दुनिया के कदम रख चुका सी। 1500 मीटर रेस का स्कूल ते कॉलेज चंगा अथलीट भी रहा, पर उस वेले किसी ने अंदाजा नहीं सी कि अगे जाके गुनाह की दुनिया के इस कदर मशरूफ हो जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। जिमीदार परिवार के नाल संबंधित है लॉरेंस बिश्नोई, इस दे कोल करीब 100 एकड़ जमीन अज भी इस दे नाम है। बिश्नोई गैंग के 700 के करीब शूटर सन, तो इन सारे शूटर्स नूं खुद लॉरेंस बिश्नोई कंट्रोल करता है। कैनेडा ते थाईलैंड दे विच भी बिश्नोई गैंग के कई गुरगे बैठे हुए हैं, जिन्हां दे नाल दस्या जांदा है कि लॉरेंस बिश्नोई संपर्क च रहिंदा है।
2008 च पीयू कैंपस दीआं चोणां दौरान गोली चलाउण दे मामले च पहली बार जेल लिजाया गया सी लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ते हिमाचल प्रदेश दे विच कई मामले दर्ज ने लॉरेंस बिश्नोई दे उपर। कतल, इरादा है कतल अते फिरौती दे करीब 25 मामले लॉरेंस बिश्नोई दे उपर दर्ज हन। जी हां, कई अजिहां वारदातां नूं अंजाम दित्ता 2018 च अपने करीबी संपत नहरा दे नाल मिलके सलमान खान दे कतल दी भी साजिश रची गई सी लॉरेंस बिश्नोई वल्लों। 2 महीने जेल च रहण दौरान हथियार सप्लाई करन वाले मुलजमां दे नाल संबंध बने लॉरेंस बिश्नोई दे। नैटवर्क वधदा चलिया गया, फजिलका दे पिंड दतारा वाली तो लैके किवें अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक वड्डा क्रिमिनल बन गया लॉरेंस बिश्नोई, और वह भी सिर्फ 31 साल की उम्र के विच। वाकई ही समझा जा सकता है कि अज नूं जेकर लॉरेंस बिश्नोई दे नाम इन्ने वड्डे पद्धर ते मामले दर्ज ने तो आखिरकार पुलिस दे लई भी किन्ना जरूरी अते लाजमी हो जांदा है इस तरह के मामले नूं बड़ी संजीदगी दे नाल हैंडल करना। साढ़े नाल साढ़े सहयोगी रमन फिलहाल जुड़ रहे हैं इसे खबर से अपडेट देने लिए। सीधा रुक करांगे रमन दा। रमन, जानना चाहांगे तुहाडे कोलों हुण लॉरेंस बिश्नोई की मुड़ तो मानसा अदालत विच पेशी होनी है, पर उस तो पहला पुछगिछ हुई की समझ आ रहा है कि इस पुछगिछ के पीरियड दौरान कुछ वड्डे खुलासे किए हैं लॉरेंस बिश्नोई ने, तो हुण की दोबारा पुलिस रिमांड मंगी जाएगी लॉरेंस बिश्नोई की? जिवें अमित, तो बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन जिहड़ा हैगा तिहाड़ जेल तो लिया गया सी लॉरेंस बिश्नोई नूं, और पंजाब पुलिस नूं पूरी आस सी कि सिद्धू मूसेवाल कतलकांड दे विच वड्डे खुलासे जिहड़े हैगे ने लॉरेंस बिश्नोई कर सकदा। पर जेकर पिछले 6 दिन की गल करके तो कोई खास वड्डी सफलता पंजाब पुलिस दे हत्थ नहीं लगी। उही गल्लां रिपीट वार वार के रेकी किसने की, कितों हथियार बरामद होए और किस वलों गड्डियां प्रोवाइड कराईआं गईआं, सिर्फ सिर्फ उन्हां गल्लां ते ही पंजाब पुलिस जिहड़ी हैगी उत्थों तक ही पहुँच सकी जो पहलां गल्लां सीगियां, जिहड़ियां चाहे संदीप केकड़े दे रूप विच होण, चाहे मनप्रीत भाऊ दे रूप विच होण, मनप्रीत मन्ना दे रूप विच होण, चाहे सराज मिंटू दे रूप विच, इन्हां लोकां वल्लों जिहड़े हैगे कबूलियां कीता कबूल कीता गया सी। तां फिलहाल जिहड़ी हैगी कोई वड्डी सफलता कह सकदे हां कि पंजाब पुलिस दे हत्थ नहीं लगी। ईवन के दिल्ली स्पैशल सैल वल्लों इस तों वड्डियां जिहड़ियां हैगियां कार्रवाइयां कर दित्तियां गईआं ने। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई नूं जदों लिआंदा गया सी तां इक दावा कीता जा रिहा कि जल्दी कोई वड्डा राज खुल्लेगा, जल्दी जिहड़ा हैगा लॉरेंस बिश्नोई वड्डे राज खोलेगा, तां अजिहा कुछ भी नहीं होया। हाले भी पंजाब पुलिस दे हत्थ उस तरीके दे नाल खाली है जिवें पिछले 7 दिन पहलां खाली सी। इक जिहड़ी सफलता जरूर मिली सी लॉरेंस बिश्नोई नूं, पंजाब लिया के मानसा कोर्ट विच पेश कीता गया सी। देर रात तकरीबन 3 बजे मेडिकल हुंदा है, 4 बजे मानसा कोर्ट दे विच पेशी कीती जांदी है, और इस तों बाद तकरीबन 4:30 विच चले जांदा और खरड़ CID आ जांदा 8:15 बजे। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, SIT ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, SIT ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
मानसा दे बिल्कुल जिहड़े हैगा कुछ समय बाद मानसा पहुंच जाएगा, लॉरेंस बिश्नोई तक कोर्ट दे विच पेश कीता जाएगा, इस तो पहला मैडिकल होगा और तमाम जिहड़ियां हुण तक कबूलनामा कीता गया लॉरेंस बिश्नोई वालों किहड़ियां गल्लां मन्नियां गईआं ने, किहड़ियां गल्लां दे होर जिहड़ी लोड़ हैगी उस नूं लै के जिहड़ा हैगा मानसा कोर्ट दे सामने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट दे सामने पेश कीता जाएगा तां गल्लां दा तर्क वी रख्या जाएगा कि सानूं इस मामले दे विच इह इनपुट मिली है, लीड मिली है, हाले सानूं होर लोड़ हैगी है। जी ठीक है, नज़र बनाए रखो रमन साहब बाबत अगे भी जानकारी तुहाडे कोल लैंदे रहांगे, फिलहाल बेहद शुक्रिया। तो लॉरेंस बिश्नोई नूं पुलिस हुण मानसा लैके जा रही है, समझा ही जा रहा ख्याल है होर रिमांड की मांग की जाएगी, तो उस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई कोलों होर सवाल जवाब किए जाएंगे। मूसेवाला कतलकांड शूटर मनप्रीत मन्नू की भी पुलिस वालों भाल लगातार तेज़ हो गई है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए शूटर के पिंड PTC न्यूज़ की टीम भी पहुंची, तुहानूं दस दईए शूटर के पिंड जद पिंड कुस्सा दे विच PTC न्यूज़ की टीम पहुंची तो इत्थे सहम का माहौल विखाई दिता। जी हाँ, दस दिए कि मनप्रीत मन्नू ही वह शख्स है, वह मुलजम है जिसके इल्जाम ने कि AK राइफल दे नाल पहला शूट मनप्रीत मन्नू ने किया। शूटर्स दे विचों मनप्रीत मन्नू की भाल सब तो ज़्यादा तेजी दे नाल की जा रही है, पिंड कुस्सा का वसनीक है, तो जब PTC न्यूज़ की टीम पिंड कुस्सा पहुंची तो इतने परिवारक मैंबर अपने घर जिंदरा ला के किसी दूजे घर च रहने मजबूर दसे जा रहे हैं। पिंड वासियों के नाल गलबात की गई, पूछा गया कि मनप्रीत मन्नू कित्थे है, पिंड वालों को कुछ नहीं पता, पिंड वाले कहते हैं कि सानू नहीं पता। हाँ, जब तक मनप्रीत मन्नू इतने रहा करता सी तद तक उस बारे अजिही कोई गलबात नहीं सी, पर अचानक हालात बदले, वक्त बदलिया तो मनप्रीत मन्नू गुनाह की दुनिया के इस ढंग के नाल सरगर्म होया कि अज उसका नाम एक एडे वड्डे हाई प्रोफाइल मामले के निकल के सामने आया। तस्वीर द्वारा टीवी स्क्रीन से तुम विखा रहे, तुम दस दईए यह है पिंड कुस्सा। जी हाँ, पिंड कुस्सा के मनप्रीत मन्नू वो शूटर है जिसकी पुलिस वालों भाल की जा रही है, जिसके इल्जाम ने कि AK राइफल के नाल सब तो पहली गोली मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई सी, दिल्ली पुलिस वालों खुलासा किया गया सी। ते मनप्रीत मन्नू का यह घर है, लोहे का गेट, गेट से चिपके हुए नोटिस, होर भी वख वख मामले के लोड़िंदा है मनप्रीत मन्नू, पर परिवारक मैंबर जहाँ परिवारक मैंबर एक अजिही जिंदगी जीन मजबूर ने कि डर का साया है, अपना घर छड़ के किसी दूजे घर के जाके रहने मजबूर ने क्योंकि इस घर के बाहर तो जिंदरा लटकिया विखाई दिता। पिंड कुस्सा, पिंड कुस्सा जब PTC न्यूज़ की टीम पहुंची तो पिंड वासियों के नाल भी गलबात की गई, पिंड के वासियों का कहना है कि मनप्रीत मन्नू जब तक इत्थे सी लकड़ा का काम करया करता सी उदों तक इस बारे कोई गलबात नहीं होया करती सी कि वह गुनाह की दुनिया के सरगर्म है ज नहीं, पर अचानक एक एडे वड्डे मामले के मनप्रीत मन्नू का जब नाम सामने आया तो परिवारक मैंबरों के लिए मुश्किल होर ज़्यादा बढ़ गई, पिंड दे विच भी सहम का माहौल है। हाँ, तिने लकड़ का काम करते, मॉल जी आए सारे परेशान आ भी इदा की गल हो किवें गई, सारे लोग परेशान आई हो गए भी अच्छा अभी देखे ही नहीं कुछ, लोग परेशान हुए कि नहीं। हाँ, जो साड़ी गली इतने पुलिस आँदी है सारे बंदे डर डर जाते, बुढ़िया भी डर जाएगा। हाँ जी, दूजे तीजे दिन आ ही जाते हैं। जो लोगों ने जीना हराम करता अपना जो कि पिंड पैंता, इतों मुंडा आया से घरे, इन्हों रंगिया तो मुंडा घरे मारना आया से इन्हों, मैं मौजूदा मैंबर से जिथों की कहानी बिगड़ी है इन्हों की, मौजूदा मैंबर से मैं घरे खड़े पैर ने घरे आया जिथों काम वध्या गा, वधिया बहुत वधिया परिवार से, प्यो इहदा बाहर सीगा, बहुत वधिया रोटी खा रहे सी, मुंडा लकड़ी का काम करता सी, कोई जी इहो गलबात नहीं सी। जदों फिर इन्हां दे विरोधी धरां ने झूठे इल्जाम ला के झूठे परचे च इन्हां नूं बसाया गया, झूठे इन्हां दे केस बनाए गए आ, मुंडा घरे आया सी, मनाया इन्हां ने खेत भी खेत गया, खेत मारिया वो घरे आया सी, इत्थे घरे मुंडे बहुत सीगे नाल उदों तो ही। हाँ जी, नहीं पिंड सीगा जी, मोगा दे पिंड कुस्सा PTC न्यूज़ की टीम पहुंची, परिवारक मैंबर घर नहीं रह रहे, घर के बाहर नोटिस चिपके विखाई दे रहे हैं। सरबजीत साडे सहयोगी फिलहाल साडे नाल जुड़ रहे हैं जिहड़े कि खुद पिंड कुस्सा पहुंचे, उन्होंने राही ही जानते हैं कि माहौल है मुलजम के पिंड का।
सरबजीत जानना चाहेंगे तुहाडे कोलों की कुछ दस रहे ने पिंड वासी ते खास तौर पर परिवारक मैंबरां दा की कहना है कि आखिरकार जुर्म दी दुनिया दे विच इस ढंग दे नाल किवें आ गया वो शख्स जो कि पिंड वाले कह रहे हैं कि बड़ा शरीफ होया करदा सी कदी अजिहा कोई वारदात दे विच उसका नाम ही नहीं सी सुनिया पर अज अचानक एडे वड्डे मामले दे विच मनप्रीत मन्नू का नाम निकल के सामने आया। अमित जी मैं दसना जिहड़ी ये घटना वापरी आ सिद्धू मूसेवाले दे नाल जिहड़ा कतल होया सी सिद्धू मूसेवाले दा उहदे विच जिहड़ा कुस्से दा मनप्रीत सिंह मन्नू नां दा जिहड़ा नौजवान सी उहदा नां भी जिहड़ा उभर के सामने आया ते उस नां उभर के सामने आउण तों बाद जिथे अज पिंड दा माहौल जे गल कीती जावे तां पिंड दे विच जिहड़े लोक ने पूरी तरह सहमे होए नजर आ रहे ने। हर एक यही गल कह रहा कि जिहड़ा मनप्रीत मन्ना सीगा ते बहुत ही साउ सुभा दा नौजवान सी अज तक अजिहा इहने कुछ नहीं कीता पर किते नहीं किते जिहड़ा उह सरकारां नूं भी इस दायरे दे विच दोषी ठहराउंदे ने कि अजिहे सरकारां दी बदौलत जिहड़े नौजवान आ गलत रस्ते पै रहे आ। जिहड़ा नौजवान मनप्रीत मन्नू सीगा ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। अगे वध्या सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी सूत्रा दे वाले तो एक होर वड्डी खबर आ रही है दसदे आ तुहानू सरहद पारों आए सन कतल च वरते गए हथियार। जी हाँ तुहानू दस दिए सारे इंपोर्टेड हथियार से जिहड़े कि सरहद पारों आए। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल नूं जानकारी मिली बीते दिन ही गिरफ्तार किए गए मुलजमान तो पुछगिछ दौरान यह खुलासा होया। मुलजमान के कोलों वड्डी गिणती दे विच मारू हथियार बरामद होए सी। जी हाँ तुहानू दस दिए लगातार यह भी एक वड्डा क्यूरियोसिटी का विषय बनया होया कि आखिरकार किवें एक ग्रनेड लॉन्चर डेटोनेटर अते होर जड़े हथियार फड़े गए ने मुलजमान के कोल आए कितों से तो यह सारे हथियार इंपोर्टेड से सरहद पारों यह हथियार आए थे। हालांकि पुलिस इस गल की भी पड़ताल जरूर करेगी कि किस ढंग के नाल सारे माल की हथियार की डिलीवरी की गई कि ड्रोन के राही हथियार भेजे गए या फिर किदां समगल किए गए हथियार क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि सारे हथियार इंपोर्टेड ने हालांकि कितने मैनुफैक्चर होए यह हाले पुलिस दसेगी पर सारे हथियार सरहद पारों आए थे जिड़े कि मुलजमान के कोलों हासिल हुए ने। उधर गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का खास चैकिंग अभियान भी लगातार जारी है। जी हाँ वख-वख थावां दे उपर रेड की जा रही है। इसे तर्ज से मोहाली पुलिस की स्पैशल टीम ने कई सुसायटीज़ के विच दबिश दी। जी हाँ तुहानूं दस दईए मोहाली के विच वख-वख सुसायटीज़ के विच अचनचेत अचानक रेड की गई चैकिंग की गई खास तौर पर SBP होम सुसायटी के विच अज पुलिस ने दबिश दी ते इत्थे 15 तों 20 लोगों हिरासत के विच भी लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ SBP ਹੋਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वेला थे चले एक छोटे जे ब्रेक दा ब्रेक दे उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।